ये राइड ओवरऑल एटलीस्ट 1700 किलोमीटर, 1700 किलोमीटर के ऊपर होगा मुझे लग रहा है, बट लेकिन 1700 किलोमीटर तो होने वाला है। मैंने इंस्टाग्राम पे पोल किया था, या कर्नाटका या मध्य प्रदेश, तो कर्नाटका का वोट ज़्यादा थे, तो हम निकल रहे हैं कर्नाटका के लिए। एक्चुअली ये सेम चीज़ मैं नॉर्मल कोई हार्डवेयर की दुकान से भी ले सकता था, बट लेकिन शाम को मुझे पता नहीं मैं क्या कर रहा था, मैं भूल गया लेना, तो वही लेने के लिए अभी मैं आया हूँ डीमार्ट। सो दैट्स इट, यही अपन ने लेना था, ये दो लेना था। तो कलर कौन सा ले? ओ यार, अपन कलर ऑब्सेस्ड है, ब्लू कलर ऑब्सेस्ड है अपन, तो अपन यही लेंगे। राइट, मैं इसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते अपन। थैंक यू। कोई नई जगह जाओगे और आप अपने सब्सक्राइबर नहीं बनाओगे तो कैसे चलेगा यार। चलो, थैंक यू सो मच। तो अपन ने बंजी कॉर्ड्स भी ले लिए एंड अपना एक नया सब्सक्राइबर भी बना लिया। तो अभी कल अपने को बाइक के है थोड़े काम, बाइक पे थोड़े काम करने हैं, तो कल मिलते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बाइक का मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ इंजन, एंड इंजन का अपन चेंज करेंगे इंजन ऑयल। तो मैं हमेशा ये यूज़ करता हूँ, मोड्यूल का 4T 10W50। तो ये मैं इजीली घर पे चेंज कर सकता हूँ, बहुत सिंपल है, ऐसे ऐसे चेंज करना है। तो पहले ये चेंज करते हैं, फिर दूसरे काम देखते हैं बाइक के। सो मैंने बाइक का इंजन ऑयल चेंज कर दिया एंड सब ऑयल 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 यहाँ पे भी, इस पूरी बाइक में मैंने ऑयलिंग कर दिया, ये भी पूरा ऑयल हो गया होगा, दिख रहा होगा। तो ये सब ऑयल हो गया है, अभी बाइक को ओपन ने करना है, क्लीन धोना है बाइक को, करना है एकदम चकाचक निकलने से पहले। तो लेट्स गो फॉर ए वॉश नाउ। अरे यार, मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे पता चलता है आज वॉशिंग बंद है, यहाँ पे भी वॉशिंग बंद है। अभी करे तो करे क्या यार, रुकना पड़ेगा, अभी किसी और जगह जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर अपन खुद से धोना पड़ेगा। एंड खुद से धोने से होगा क्या, ये सब जो ऑयल का जो है डाग एंड ऑल, ये सब निकलेगा नहीं, बट लेकिन प्रेशर से जब पानी मरेंगे तभी निकलेगा, कैसे भाई यार ये। तो अभी अपने पास एक ही ऑप्शन रह गया है, बाइक अपने को खुद से घर पर धोना पड़ेगा। तो तब तक क्या करूँ, मालूम है मैं सामान क्या क्या लेके जाने वाला हूँ, तब तक वो देखो, तब तक मैं बाइक धो के एकदम क्लीन एकदम चकाचक कर लेता हूँ। सामान क्या क्या लेके जा रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो देख लो तब तक। इसे नहीं फेंक सकता मैं, इसको ऐसे आराम से रखना होगा। तो अपन सामान जो जो कैरी करने वाले हैं वो है ये सब सामान, ये सामान अपन कैरी करने वाले हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो है राइडिंग जैकेट, राइडिंग जैकेट रहेगा, फिर उसके बाद में अपना हेलमेट रहेगा, एंड देन हेलमेट के बाद में, हेलमेट आ गया तो अपना गोप्रो भी आ गया, ये गोप्रो और एक ये दूसरा गोप्रो जिससे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर उसके बाद में अपना मेन कैमरा DSLR का ट्राईपॉड, एंड देन उसके बाद में माइक, रोड का अपना माइक। फिर उसके बाद में ये जो छोटा है उसमें है अपने GoPro के सारे छोटे मोटे माउंट्स एंड एसेसरीज, तो ये भी आ जाएगा। एंड देन उसके बाद में यहाँ पे आ जाते हैं अभी, तो अपनी कैप, और मैंने जो ये लास्ट ब्लॉग में बताया था मैंने मंगाया मेरे लिए, ये बोट के एयरड्रॉप्स लेके जाऊँगा, बिकॉज वायर्ड ईयरफोन लेके जाऊँगा तो बहुत टेंगल हो जाता है, लफड़े हो जाते हैं। एंड देन अपने ग्लासेस, अपनी वॉच, एंड देन इसमें OTG केबल है, एंड देन जब ये थोड़े बहुत छोटे मोटे सामान है, ये सामान बहुत ही हेल्पफुल है। फिर उसके बाद लैपटॉप, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं लैपटॉप लेके जाऊंगा, बट लेकिन अपने को लैपटॉप अपने साथ कैरी करना पड़ेगा, बिकॉज जब GoPro और अपने DSLR की मेमोरी हो जाएगी फुल, तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, मेरे पास हार्ड ड्राइव है नहीं, तो लैपटॉप में ट्रांसफ़र करके वैसे ही आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। वैसे पर्सनली मुझे लैपटॉप कैरी करना बिल्कुल पसंद नहीं, बिकॉज लैपटॉप कैरी करेंगे एडिटिंग एंड ऑल, फिर उसके बाद में हम बाहर जाते हैं घूमने के लिए, एडिटिंग करने के लिए नहीं जाते, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, बट फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए लैपटॉप कैरी करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में थोड़े अपने कपड़े हैं, सिर्फ इतने नहीं, थोड़े ज़्यादा कपड़े होंगे, बट अभी के लिए फ़िलहाल मैंने इतने ही दिखाए। एंड देन उसके बाद में ये खैर, ये चड्डी किसने यहाँ पे रख दी। फिर अपने शूज़, थोड़े सॉक्स, एंड देन उसके बाद में एक्चुअली ये अभी के लिए दो बंजी कॉर्ड रखे हैं, बट लेकिन मैं 4 टोटल बंजी कॉर्ड लेके जाने वाला हूँ। एंड देन उसके बाद में अपना ग्लव्स, बाइक के ग्लव्स, फिर थोड़े बहुत परफ्यूम, एंड देन फेस वॉश, एंड इन लास्ट ये सारा सामान जाएगा
के हमारी प्यारी सैडल बैग में जो अपन ने पिछले व्लॉग में मंगवाया था। तो बस इतना ही सामान है, मतलब है थोड़े बहुत और सामान, वही कपड़े जो रिपीट होंगे, फिर उसके में एक एक्स्ट्रा शूज़, स्लीपर, फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इम्पोर्टेंट सामान सैनिटाइज़र, इसको हम नहीं भूल सकते। तो बस ओवरऑल यही सब सामान है जो मैं लेके जाने वाला हूँ, फिर गोप्रो के चार्जर्स, कैमरा का चार्जर, देन उसके बाद में थोड़े और कपड़े, एक स्लीपर और एक एक्स्ट्रा शूज़, बस यार बस इतना ही। और खाना पीने का सामान तो अपन बाहर देख लेंगे, बस इतना ही सामान है, अपन ज़्यादा सामान कुछ कैरी करेंगे नहीं, हेक्टिक हो जाता है वो क्योंकि। तो इन लास्ट अपन ने बाइक घर पे ही धो ली एंड ये सारे सामान अपन अपने साथ कैरी करने वाले हैं। तो यही ज़्यादा सामान मैं अपने साथ कैरी करूँगा नहीं, बिकॉज फिर वो उसे संभालना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड मुझे पता है संभालने में मेरी हालत हो जाती है ख़राब एंड मैं बिल्कुल नहीं संभाल सकता मेरे सामानों को। तो कम सामान जितना रहेगा उतना मेरे लिए अच्छा है एंड ब्लॉगिंग करने में भी उतना मज़ा आएगा, बिकॉज सामान का ज़्यादा अपने को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मेरी प्लानिंग है ना पूरी तरीके से हो चुकी है, बट लेकिन मुझे ना एक डर रहता है कि लाइक एक जगह को मैं उतने टाइम पीरियड में एक्सप्लोर कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, वो मेरा एक दिमाग में डर रहता है। दो मिनट। तो बस फिर यही मैंने मेरी राइड की प्रिपरेशन की है, ज़्यादा कुछ मैंने हाइप रखा नहीं है, बहुत ही सिंपल सामान रखे हैं जो मैं मेरे साथ कैरी करूँगा। 9 से 10 दिन है, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, बस अभी सिर्फ और सिर्फ निकलने का इंतज़ार है। 17 जन को सोचा मैं निकलूँगा, आई होप 17 जन को ही निकल जाओ, बिकॉज आगे फिर कंप्लीट करने में थोड़ा इजी होगा, 9-10 दिन में अपने सब कुछ कंप्लीट करना है। तो कर्नाटक में मैंने जो स्पॉट डिसाइड किया है वो है, उसको लास्ट में मैं रिवील करता हूँ, BTS में रिवील करते हैं, फिर उसके बाद अभी सिर्फ और सिर्फ एक्साइटमेंट है एंड राइड के सारे अपडेट्स के लिए। अभी यहाँ पे तो वीडियो आने से रही, बिकॉज अपन राइड पे रहेंगे यार, 10 दिन तो राइड पे रहेंगे तो 10 दिन तो वीडियो है नहीं। फिर उसके बाद में राइड के सारे अपडेट के लिए फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे सब कुछ आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। तो अभी अपन है यहाँ पे मुंबई में, यहाँ से अपन जाएंगे कराड, कोल्हापुर, संकेश्वर, पहलगाम, दांडेली, गोकर्णा, बीच में एक और जगह ऐड की है मैंने, फिर अपना डेस्टिनेशन जो फाइनल डेस्टिनेशन होने वाला है वन साइड पे वो है मुरुद्रेश्वर, अपन जा रहे हैं यहाँ पे। फिर आते टाइम भी सब सेम होने वाला है, बट लेकिन यहाँ पे चेंज द रूट जो है वो अपन रखेंगे सस्पेंस, और वो सस्पेंस होगा रिवील सेम डे पे जब अपन रूट अपना करेंगे चेंज, वो भी इंस्टाग्राम पे पता चलेगा।